12th में बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 3rd चल रहा है साइंस के, उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भ्रूण कोश क्या है। भ्रूण कोश यानी जिसमें भ्रूण उपस्थित रहता है। अब भ्रूण का परिवर्तन किससे होता है? भ्रूण कोश से। कोश यानी भ्रूण कोश में ही भ्रूण कोश और भ्रूण पाए जाते हैं। तो उनके बारे में पढ़ा क्या होते हैं, किस प्रकार युग्मकों का संलयन होता है, त्रिक संलयन किसे कहते हैं, द्वि निषेचन किसे कहते हैं। आज अपने जो भ्रूण है उसके परिवर्तन का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में अपने स्टार्ट किया था भ्रूण का परिवर्तन, जिसके अपने थोड़ा शुरू में जो विभाजन होता है कोशिका का वो पढ़ा था। तो आप साथ साथ में नोट करना भ्रूण का परिवर्तन। इसमें क्या होता है, पहले एक कोशिका होती है, वो एक कोशिका कब हुई, जब भ्रूण में एक अंडकोशिका और एक इसमें क्या होता है नर युग्मक, अंडकोशिका में नर युग्मक जब संलयित होते हैं तो एक क्या बन जाती है, द्विगुणित भ्रूण बन जाता है। वो इस तरह से द्विगुणित कोशिका बन जाती है। ये द्विगुणित कोशिका क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है, क्योंकि दो युग्मक थे, युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाया, फिर उसने क्या बनाया युग्मनज। ये ए नंबर डायग्राम आपको लास्ट वीडियो में बनवाया है। उसके बाद में फिर क्या होता है, जो ये युग्मनज की कोशिका है, युग्मनज आगे भ्रूण में बदलेगा, ये क्या करती है अनुप्रस्थ विभाजन करती है। अनुप्रस्थ विभाजन के बाद ये कोशिका इस तरह से दो भागों में बंट जाती है। एक शीर्ष कोशिका होती है जो सिरे पर पाई जाती है अग्रभागी कोशिका, और एक कौन सी थी आधारी कोशिका। तो ये दो कोशिका में बंट जाती है अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद। ये बी नंबर डायग्राम करवाया था। इसके बाद में क्या हुआ था कि जो शीर्ष कोशिका है उसमें और विभाजन होते हैं, अपनतिक विभाजन। शीर्ष कोशिका में अपनतिक विभाजन इस प्रकार होगा, एक कोशिका दो भागों में बंट जाती है, और जो आधारी कोशिका थी इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ये दो कोशिका में बंट जाती है। सी नंबर डायग्राम ये बनवाया था। जो शीर्ष कोशिका है ये क्या करेगी, आगे प्राप्त भ्रूण बनाएगी, और जो नीचे आधारी कोशिका ये क्या बनाती है, निलंबक बनाती है। ये वाली निलंबक बनाएगी और ऊपर वाली प्राप्त भ्रूण का निर्माण करती है। तो सी नंबर तक अपने ये पढ़ा। फिर इसके बाद में क्या हुआ था कि जो शीर्ष कोशिका है उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, इस प्रकार ये कोशिका पहले थी, फिर इसमें क्या होता है ये कोशिका आगे चार भागों में बंट जाती है ऐसे। तो चतुष्टांशक बना देती है। डी नंबर डायग्राम में अपने क्या किया था, चतुष्टांशक बनाया एक कोशिका में, और नीचे वाली कोशिका है वो आगे अनुप्रस्थ विभाजन करती रहती है और निलंबक बनाती रहती है। तो इसे क्या कहा था, चतुष्टांशक या चतुष्टांक। चार कोशिका में बदल गई ऊपर वाली कोशिका और नीचे वाली निलंबक बनाएगी। फिर इसके बाद में जो चतुष्टांशक बनता है इसमें परिणतिक विभाजन होता है। परिणतिक मतलब एक कोशिका टूटकर दो परतों में बदल जाती है। तो टोटल ये ई नंबर डायग्राम के बाद में आगे एफ नंबर डायग्राम ये है, ये किसमें बदल गई, टोटल ये 8 कोशिका हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है अष्टांशक। इसे क्या कहते हैं अष्टांशक, आपने नोट करते जाना है इसे। तो ये भ्रूण के परिवर्तन को लिखवा रहे हैं कि अष्टांशक कब बनता है, जब चतुष्टांशक में परिणतिक विभाजन होता है। तो चार कोशिकाएं हैं वो आगे 8 कोशिकाओं में बदल जाती हैं। फिर आगे जी नंबर जो डायग्राम है इसमें क्या बनता है, ये जो कोशिका है बीच वाली जो ऊपर अष्टांशक है इसमें और विभाजन होते हैं, परिणतिक और अपरिणतिक विभाजन होते हैं। जो सबसे बाहर की तरफ कोशिकाओं का समूह घेरे रहता है उसे बाह्य त्वचा जिन कहते हैं।
बदलता जाता है। तो साथ साथ में अनुप्रस्थ विभाजन होते थे और अनुदैर्ध्य विभाजन दोनों साथ साथ होते रहते हैं और इस तरह भ्रूण की वायु त्वचा भी बन जाती है। फिर इसके बाद में एच नंबर डायग्राम में हमने क्या माना है, जब भ्रूण है ये पूरा प्रियोटित होने की अंतिम चरण में होता है, तब क्या होता है कि जो कोशिका वो हत्याकार हो जाती है। अंतर वाली कोशिका होगी ना, ये कोशिकाएं हैं ये हत्याकार दिखाई देने लग जाती है। तो हत्याकार दिखाई देती है और इसमें कुछ कोशिकाओं का बीच में ऐसा धुआं पाया जाता है जिसे प्लीरोम कहते हैं। और जो प्लीरोम कोशिका के शीर्ष नीचे जो कोशिका होती है बिल्कुल नीचे, उससे क्या कहते हैं मूलांकुर कोशिका। और जो प्लीरोम के चारों तरफ कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है उसे बीज पत्राधार, यानी बीज पत्र है वो जिससे जुड़े रहते हैं, ये बीज पत्राधार इससे जुड़े रहते हैं और नीचे निलंबक बनता है। फिर आई नंबर डायग्राम इसमें क्या कहेंगे, जो निलंबक है निलंबक में और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और जो लास्ट कोशिका है निलंबक की वह फूल कर एक चुष्कांग के रूप में बना देती है। चुष्कांग क्या करेगा, जो भ्रूण है उस तक क्या पहुंचाएगा, पोषण को पहुंचाएगा। इस तरह से जो निलंबक है निलंबक में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं सिर्फ, और जो आगे शीर्ष कोशिकाएं होती है उनमें अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विभाजन साथ साथ होते हैं। चुष्कांग के ऊपर मूलांकुर पाए जाते हैं, मूलांकुर क्या करेगा मूल की कोशिका का निर्माण करेगा, मतलब जड़ की कोशिका बनाएगा। और जो बीज पत्राधार है ये आगे पूरे विकसित होकर दो बीज पत्र बना देगी और बीज पत्रों के ऊपर वाले शीर्ष प्रांकुर, प्रांकुर वो होते हैं जो आगे नई कोशिका कलिका के रूप में या स्तंभ के रूप में बनाते हैं वो प्रांकुर कहलाते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है वह मूल के रूप में बदल जाते हैं इसलिए उसे मूलांकुर कहा जाता है। तो इस तरह से जो भ्रूण है वो यहाँ तक, ये बीच वाला भाग है जिसमें दिखाया गया यहाँ तक वृद्धि इसमें दिखाया, फिर आगे लास्ट में क्या होता है इसमें पूर्ण विकसित हो जाता है जब भ्रूण, तब कैसा दिखाई देता है। अब जब पूरा भ्रूण है वो पूरा परिवर्तन कर लेता है तो कैसा दिखाई देता है, उसकी कोशिका बीजांड में, यानी आपने देखा अंडाशय अंडाशय बहुत सारे बीजांड पाए थे, बीजांड में भ्रूण कोश होता है, उस भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण होता है। तो वो लास्ट में जब भ्रूण पूरा विकसित हो जाता है परिवर्तित हो जाता है तो वो इस तरह का दिखाई देता है। इसमें क्या बन जाते हैं, जो बीज पत्राधार थे वो बीज पत्रों को बनाते हैं, स्तंभ बन जाता है, स्तंभ आकर मतलब जो तने के रूप में बदलता है जब बीज अंकुरित हो जाता है, ये अभी अंकुरित नहीं ये बीज के परिवर्तन की अवस्था है। फिर मूलीय क्षेत्र बन जाता है जहां से जब बीज अंकुरित होते हैं तो मूल निकलती है, बीजांड काय है इसमें, निलंबक है जो मूलांकुर का नीचे वाला भाग होता है, अध्यावरण बीजांड का ये दिखाई दे रहा है। ये छोटी छोटी जो दिखाई दे रहे थे बिंदुनुमा संरचना ये केंद्र की कोशिकाएं होती है, केंद्र की है कोशिकाएं होती है।
अंकुरण होता है तो ये बीज पत्र ही उस बीज को पोषण प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो द्विबीज पत्री है उसमें भ्रूण का परिवर्तन इस प्रकार से होता है। अब आगे नोट करेंगे आप, एक बीज पत्री जो भ्रूण है उनका परिवर्तन कैसे होता है। तो ये द्विबीज पत्री भ्रूण में परिवर्तन था, अब आगे एक बीज पत्री भ्रूण का परिवर्तन। फिर अपने पहले पढ़ चुके द्विबीज पत्री में कैसे भ्रूण का परिवर्तन होता है, अब आप नया टॉपिक लिखेंगे। एक बीज पत्री पादप होते हैं, एक बीज पत्री में आपको पता है कौन से होते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सारे क्या होते हैं, एक बीज पत्री होती है। इसके अलावा और भी प्लांट बहुत सारे हैं जो एक बीज पत्री होते हैं। अब इन एक बीज पत्रियों में भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार होता है, क्या उनकी समानता है, क्या ये थोड़ी बहुत इसमें भिन्नता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में जैसे द्विबीज पत्री का परिवर्तन होता है वैसे ही एक बीज पत्री का परिवर्तन होता है। तो पहले क्या होता है, एक कोशिका होती है जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जैसे उसमें द्विबीज पत्री में क्या युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, एक शीर्ष कोशिका बनी और एक आधारी कोशिका बनी। तो शीर्ष कोशिका ऊपर की तरफ, आधारी कोशिका नीचे की तरफ, यानी पहले एक कोशिका थी इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ इस प्रकार बनी कोशिका। फिर जो कोशिका ऊपर वाली है शीर्ष कोशिका उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होते जाएंगे और वो कितनी अलग अलग कोशिका में पहले शीर्ष मध्य आधारी कोशिका इस तरह से बटी और नीचे वाली कोशिका है ये क्या नीचे की तरफ इसमें भी दो विभाजन होते हैं, ऊपर वाले में भी दो विभाजन होते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है, जो शीर्ष कोशिका होती है उनमें पहले दो कोशिकाएं थी फिर उन्होंने विभाजन किया और चार कोशिका में बदल गई, यानी चतुर्थांशक में बदल जाती है जिसे चतुर्थांशक भी बोलते हैं या चतुर्थांशक। जैसे द्विबीजपत्री में चार कोशिका बनी थी जिसे चतुष्टांशक बोला गया था वही है चतुष्टांशक, ये इसे चतुर्थांशक या चतुष्टांशक बोलते हैं, चतुर्थ या चतुष्ट। तो चार कोशिका उसमें फिर आगे इसमें विभाजन होगा, ये नई क्या आठ कोशिका में बदलेगी जिसे अष्टांशक कहा जाता है। अष्टांशक में भी क्या नीचे जो आधारी कोशिका होगी वो निलंबक बनाती है और जो शीर्ष कोशिका होगी वो ऊपर भ्रूण के रूप में बदलती है। फिर इस तरह से बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है जिसमें बाह्य त्वचा बनती है और प्राक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जो प्राक भ्रूण है इसमें अब प्राक भ्रूण में प्लीरोम बन जाते हैं। प्लीरोम क्या होंगे, जो भ्रूण के रूप में आगे बदलेंगे और ये प्लीरोम है इसमें और आगे कोशिकाएं होती है वो वृद्धि करती हैं और इसके चारों तरफ बीज पत्राधार बन जाते हैं। बीज पत्राधार क्या करते हैं, बीज पत्रों को धारण करते हैं और इसके साथ में शूट इनिशियल यानी स्तंभ प्रारंभिक कोशिका बनती है और नीचे की तरफ ये होती है जिसे निलंबक बोलते हैं। तो ये निलंबक की कोशिका होती है, इसमें ऊपर वाली मूलांकुर और ये नीचे वाली निलंबक कोशिका होती है जो लंबा आधार बनाती है और इस तरह से बीज पत्र प्रांकुर ऊपर की तरफ और मूलांकुर नीचे बन जाता है और भ्रूण है वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जब बीज का अंकुरण होता है तो इसमें भी जो प्रांकुर है वो क्या करता है, प्रोहै स्तंभ बनाता है और मूलांकुर क्या है, मूल का निर्माण करता है। तो एक बीज पत्रियों में भी इस तरह से भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन कुछ विभिन्नता ये है क्योंकि वो ज्यादा विकास के चरण उसमें आते हैं, इसमें क्या कुछ कम अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास और एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा। तो आज इतना पढ़ा है, इसके आपने डायग्राम इस तरह से बनाने हैं, पहले द्विबीजपत्री भ्रूण के
पीढ़ी एकांतरण ये रह गए, तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे।